Hello my dear students of class 9th, I hope you are enjoying this physics topic motion. We have completed three parts and now we'll be moving to the fourth very important part. Before we start, if you are liking these lectures, I personally suggest you that as this entire process is free of cost for the help of students who want to learn, but because of limited resources they can't go out and search for more. So isliye main aapse request karunga ki if you are liking these lectures, don't break this chain of helping others. Share it to the maximum people so that 9th class ke wo students jo padhna chahte hain aur abhi se head start lena chahte hain wo definitely iska use kar sake. तो अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में मोशन से जुड़ी हुई बहुत सिंपल टर्म्स लाइक रेस्ट मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अब तो दो तीन बार आ गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद में से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, उसके टाइप्स, एवरेज स्पीड तक का पार्ट, फिर वेलोसिटी, उसके पोर्शंस, उसके टाइप्स, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है, डिफरेंट होती है, उनमें क्या वेरिएशन है, डिफरेंस है, उसको समझना, कैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, देन एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स ये अब तक हमने देख लिए हैं. ऐसे कोई भी नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई रिक्वेस्ट देम कि वो 9th स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट्स हैं तो पुराने लेक्चर्स पहले देखें, एक बीटी एकेडमिक सपोर्ट मटेरियल वाला जो लेक्चर है उसे भी ध्यान से देखें सो दैट उनको वो सपोर्ट मटेरियल पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट. और अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स से जो प्रीवियस लेक्चर्स को देख रहे हैं और आई होप आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे और इन न्यूमेरिकल्स के रिजल्ट्स अगर आपको मिल गए होंगे जैसा आपने सॉल्व किया होगा तो आप समझ गए होंगे सही गलत. फिर भी अगर जो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएशन का ऐसा लगता है, लेकिन व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है. एंड अब हम हमारे टॉपिक को आगे इनिशिएट करते हैं. तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. दीज आर नोन एज द ग्राफ्स विच आर रिलेटेड टू मोशन. मैं जब आप जैसा 9th क्लास का स्टूडेंट था, आप यकीन कीजिए कि मेरे लिए ग्राफ सिर्फ एक डायग्राम था और जिसका मतलब था कि उसे याद कर लेना है. मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो ग्राफ इंफॉर्मेशन का एक बंडल है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे डिराइव की जा सकती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है. दैट्स व्हाट वी कॉल ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो डेटा का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो एक बहुत लूसिड सिंपल मैनर में जिसको समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, दैट्स वॉट वी कॉल ग्राफ. हालांकि इन ग्राफ्स का बहुत डिटेल्ड वर्जन आपके सिलेबस में नहीं है. सिंपल चीज़ें हैं लेकिन कई जगहों पर सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी और उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो जहाँ जहाँ चीज़ें रिलेट होंगी हम उसे समझ लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली आपको 9th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना, दैट इज़ फॉर हायर क्लासेस. लेकिन अगर कोई चीज़ रिलेटेबल है जो समझी जा सकती है तो वी विल नॉट लीव इट आइदर. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसमें हर बार हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर ग्राफ बनाएंगे, जिसमें से पहली फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम यूज कर रहे हैं दैट इज डिस्टेंस और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम ले रहे हैं दैट इज टाइम. तो डिस्टेंस और टाइम को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने की, ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने की कोशिश करें. तो मैंने यहाँ पर ग्राफ लिया है आपके सामने और इस ग्राफ को एक सिंपल पैटर्न में समझाने की कोशिश की जा रही है. अभी हम डेटा यूज़ नहीं कर रहे, जहाँ डेटा की जरूरत पड़ेगी वहाँ डेटा भी यूज़ करेंगे. आई गेस आपको ये पता होगा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कहलाता है. तो अभी इस एक्स एक्सिस पर मैं डिस्टेंस जो है इसे ले रहा हूँ प्लॉट करने के लिए और डिस्टेंस कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और इस एक्स एक्सिस पर मैंने किसे लिया है, टाइम को लिया है जो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा. अभी हम डेटा पर नहीं जा रहे हैं, हम ग्राफ के इंटरप्रिटेशन को समझ रहे हैं. तो ग्राफ के इंटरप्रिटेशन के लिए मैं पहला ग्राफ जो आपके सामने ले रहा हूँ उस ग्राफ में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पहला ग्राफ कुछ इस तरह का है. ये ग्राफ का कर्व कहलाता है जिसमें ग्राफ
टाइम यानी एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, किसी भी ग्राफ को समझने का मतलब पहले ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए फिर इन्फॉर्मेशन निकालें। ग्राफ में है क्या पहले तो देखें। तो ग्राफ में जो ग्राफ के जो कर्व है जो रेड लाइन से शो किया गया है, दैट इज द ग्राफ द कर्व इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो टाइम इसके पैरेलल है। तो ये तो वो ऑब्जर्वेशन जो मुझे दिख रहा है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ये है कि यहाँ ये टाइम जीरो था, यानी जब मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू की उसे मैंने जीरो टाइम कहा। ये जरूरी नहीं जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन जब यहाँ शुरू हुई तब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, तो डिस्टेंस एस, अच्छा ये डिस्टेंस मीटर में लिया जाएगा और ये टाइम सेकेंड में लिया जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस एस डिस्टेंस से ट्रेवल कर चुका था ऑलरेडी, ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे था। उसके बाद टाइम बीतता गया, टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी ये जहां था वही है। तो अगर ये जहां था वही है, अगर फर्दर डिस्टेंस नहीं बढ़ा तो इसका क्या मैं इंटरप्रिटेशन रखूंगा। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है, और वो इंटरप्रिटेशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट पर है, ये स्टेशनरी है, ये मूव ही नहीं हुआ। अगर ये मूव करता तो डिस्टेंस बढ़ता, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, इट डजंट मूव एट ऑल। सो दिस ग्राफ डिस्टेंस टाइम में, ये ग्राफ जो टाइम एक्सिस के पैरेलल बना है, ये रेस्ट को इंडिकेट करता है। दुनिया का हर ग्राफ ऐसा रेस्ट को इंडिकेट नहीं करता है। ये ग्राफ जो केवल डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ये ऐसा हो तो रेस्ट को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट कहता है आपने इसे टाइम एक्सिस के पैरेलल लिया। मैं टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं लूंगा। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, बोले ये आपने डिस्टेंस लिया था ना, ये आपने टाइम लिया था ना, मैं मेरा ग्राफ डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल बना रहा हूं। अब बताइए क्या है ऑब्जर्वेशन। पहली चीज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि जो ग्राफ है इज पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस यानी वाई एक्सिस। अब इसे इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट करते हैं तो ये है कि ये मान लीजिए यहां से टाइम जो भी स्टार्ट हुआ हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी टाइम रहा हो, मिनट मिनट जो भी रहा हो, इस टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का एकाएक डिस्टेंस बढ़ने लगा। यहां तक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो था, ये गया ही नहीं था ऊपर, तो जीरो ही था। तो पहले टाइम बढ़ रहा था, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर सडनली उसी टाइम पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एकदम से बढ़ने लगा। यानी कि डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन उसमें टाइम ही नहीं लग रहा, बिना टाइम कंज्यूम किए कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी पैरेलल ग्राफ उठा के बना देने से उसका मीनिंग नहीं निकल जाता। क्या भी ठीक है इसका कोई, इसका सही इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनने वाला ग्राफ डिस्टेंस का रेस्ट इंडिकेट करता है, लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल बनने वाला ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये दो ग्राफ आपके सामने पहले आए, पहले आप मुझे बताइए समझ में आया आपको। तो ग्राफ को बनाते समय पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसा है, कहाँ है, कहाँ कौन सी चीज़ें, सब ऑब्जर्व करना जरूरी है। ग्राफ ऐसे ही बनाने का मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई एक्सिस पे कौन है, किसके बीच में ग्राफ है, कैसा दिखने में कैसा है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है। इज दिस ओके? तो ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ देके आपसे पूछ लेंगे किसे इंडिकेट कर रहा है, और ये आपको कंडीशन देके कह देंगे ग्राफ बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस आपसे कह दिया कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, जो ट्रेन पे खड़ी हुई एक स्टेशनरी जो ट्रेन है उसको इंडिकेट कर रहा है, अलग अलग ग्राफ बन जाएगा। अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसके बाद की बात की जा रही है कि ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट होने के बाद उस दूर जाके रुक गई थी और वहीं रुकी हुई तब से, तो कैसे शो करेंगे, तो ये वाला ग्राफ शो करेंगे। ओके, अब हम थर्ड ग्राफ पर आ रहे हैं, और थर्ड ग्राफ में मैं डिस्टेंस डेफिनेटली, यहाँ अब मैं डिस्टेंस के लिए बार बार डिस्टेंस नहीं लिखूंगा, एस लिखूंगा, और टाइम के लिए मैं टी लिख रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है कि ये मैं मीटर में और ये सेकंड में ले रहा हूँ, ठीक है। तीसरा ग्राफ जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, वो तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह का है। थर्ड ग्राफ इज लाइक दिस। अब
ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, ये x और y एक्सिस के बीच में जो ग्राफ है वो एक एंगल के साथ बना है. इट इज फॉर्मिंग एन एंगल. ये एंगल के साथ में बना है, वॉट एवर द एंगल में भी, ये एंगल के साथ में बना है. सो थीटा का एंगल. अब ये टर्म अगर आपको नहीं समझ में आती तो कोई x डिग्री का, y डिग्री का कोई भी एंगल. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा हूं, सबसे पहली चीज कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन. दूसरा ऑब्जर्वेशन, इट इज एट एन एंगल टू एक्स एक्सिस. अब इस ग्राफ को सही इंटरप्रेट करने के लिए पहले मैं इस ग्राफ को एक दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब. यही सेम ग्राफ में यहां पर डिस्टेंस और यहां पर ये टाइम इस तरह से लेकर बना देता हूं. आई होप यही ग्राफ है, कलर चेंज है बस. ठीक है ना, तो अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे, थोड़ा और एप्ट ग्राफ बना देते हैं, कोशिश करते हैं. ठीक है, ये ग्राफ अब हमने इस तरह से बना दिया. अब अगर यहां पर डिस्टेंस और यहां टाइम है तो हम यहां पर इसकी लेबलिंग करते हैं कि टाइम है जीरो, और जीरो सेकंड से शुरू होके ये है पांच सेकंड, ये है दस सेकंड, ये है पंद्रह सेकंड, एंड सो ऑन. तो पांच सेकंड, दस सेकंड, पंद्रह सेकंड, ये मैंने टाइम लिया है इन सेकंड्स. और इसी तरह से डिस्टेंस लिया है, से टेन मीटर, से ट्वेंटी मीटर, से थर्टी मीटर. इज दिस ओके? ऑब्जर्वेशन क्या है उसे ध्यान से देखिए. ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं टाइम इंटरवल और यहां मैं ले रहा हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड. बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ रहा हूं, जीरो से फाइव सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना है. तो टाइम इंटरवल है जीरो टू फाइव सेकंड, यानी कि फाइव सेकंड. फिर फाइव टू टेन सेकंड, अगेन फाइव सेकेंड. फिर टेन टू फिफ्टीन सेकेंड, यानी अगेन फाइव सेकेंड. कैन आई कॉल इट इक्वल टाइम इंटरवल? इक्वल टाइम इंटरवल. अब यहां पर डिस्टेंस का जो वेरिएशन आ रहा है कितना है, जीरो से लेकर टेन तक, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जीरो से लेकर टेन मीटर तक, यानी टेन मीटर. फिर टेन से लेकर ट्वेंटी तक, That is again 10 meter. फिर 20 से लेकर 30 तक, यानी अगेन 10 meter. ध्यान से देखिए कि ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये टाइम लगा है, यानी 5 सेकेंड के ड्यूरेशन में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. फिर अगले 5 सेकेंड में, 5 टू 10 इज 5 सेकेंड, फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. और फिर अगले 5 सेकंड, यानी 10 टू 15 में, 20 से 30, यानी फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. क्या मैं इसे कह सकता हूं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल? कैन आई से कि इक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल? सो कैन आई से कि दिस ग्राफ, व्हिच इज एक्चुअली दिस ग्राफ, इज इंडिकेटिंग, व्हिच इज ड्रॉन लाइक अ स्ट्रेट लाइन, व्हिच इज एट एन एंगल विद द टाइम एक्सिस, is actually indicating what? It is indicating equal distance traveled in equal time. Can I say ki this is indicating uniform motion? Yani ki ye uniform motion ka matlab equal distance in equal time ko indicate kar raha hai. Ye graph ban hi tab sakta hai, is tarah ka graph, jab ye aapas mein dono jo part hai ye kaise hai, इक्वल है. आप यहां पर इसे अप्लाई करके देख सकते हैं, ये फिर इतना ही, फिर इतना ही,
ये मैंने मार्जिन्स बना लिए यहां पर और इसे मैंने मार्क किया यहां समवॉट इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर. ठीक है, अब इतना अगर डिस्टेंस इतने टाइम में है ये आप चाहे तो देख लें यही आएगा. इज दिस ओके? एंड द सेम फैशन सो कांट यू सी कि इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम. कोई स्टूडेंट कहे नहीं नहीं मैं इतना डिस्टेंस लूंगा, बिग डील, इतना डिस्टेंस के लिए इतना टाइम लेना पड़ेगा. तो इतना डिस्टेंस 20 मीटर 10 सेकंड में, 10 मीटर 5 सेकंड में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. सो दिस इंडिकेट्स व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन. तो कोई भी ग्राफ विच इज स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल टू टाइम एक्सिस इज इंडिकेटिंग व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन. बस शर्त है कि क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल हो आपस में, पांच पांच हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ये पांच, ये पंद्रह, फिर ये पंद्रह, फिर ये पांच, ये डिफरेंस इस तरह का चलना चाहिए. तो डेफिनेटली ही कि हर बार एक स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन जो भी पैटर्न बनेगा वो यूनिफॉर्मिटी में बनेगा. सो दैट इज वॉट? दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. तो आई रिपीट, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन कर्व एट एन एंगल टू टाइम एक्सिस, कहीं और झुकना नहीं चाहिए, सीधी स्ट्रेट लाइन है, ना उधर झुके ना इधर झुके, उसके अलग मीनिंग हो जाएंगे. ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है एंगल पे जो इंडिकेट करेगा इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, जिसे मैंने वैल्यू लेके आपको समझाया है, और उसका इंटरप्रिटेशन आप इसे पॉज करके फिर से देख सकते हैं. दिस इज नोन एज व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन. इज दिस ओके? दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. अब स्टूडेंट कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जैसा आपने अभी बताया, अगर ये सिचुएशन नहीं हुई थी, नहीं हुई होने का मतलब क्या है कि अगेन हम यहां पर देते हैं डिस्टेंस और यहां पर लेते हैं टाइम, और जो ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन लिया था वो स्ट्रेट लाइन ना लेके इस बार ले लेते हैं ऐसा, अप्लाई करके देख लेते हैं कि अप्लाई करके देखने से क्या ये चीज जैसी हमने सोची थी वैसी आ रही है. देखें जरा, मान लेते हैं ये जीरो है, ये पांच, क्या डिस्टेंस मीटर में होता? तो जीरो से लेकर पांच मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसे कम से कम इतना टाइम लग रहा है, यानी कि अगर ये पांच सेकंड है, ये दस सेकंड है, ये पंद्रह है, तो ये कम से कम कितना आ गया? 12 सेकंड आ गया, लेट्स से. तो यानी 12 सेकंड में 5 मीटर हो रहा है, तो अगले 12 सेकंड में भी 5 मीटर होना चाहिए. क्या ऐसा हो रहा है? देखें, ये हम यहां पहुंचे, यानी आप गौर कीजिए कि ये 12 और ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट आ गया 17 सेकंड ऑलमोस्ट, ये 15 है तो इसको 17 मान लेते हैं क्योंकि ये 20 आएगा 17, ठीक है ना. तो अगले 5 से 10 मीटर अगेन, अगले 5 मीटर चलने में तो 5 ही सेकंड लगे, 12 सेकंड से और 17 सेकंड, 12 सेकंड से 17 सेकंड, जबकि पहले 5 मीटर को चलने में 12 सेकंड लगे थे. तो ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं है. ठीक है, और देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, तो ये ये 17 के बाद ये 15 का मतलब ये 20 और ये मान लीजिए 21. अब देखिए फिर 5 मीटर में और टाइम कम हो गया, ये तो और फास्ट हो रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रही? इसका मतलब अगर कर्व, ठीक है ध्यान से देखिए, अगर कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच का कर्व अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन ये, पहले तो ऑब्जर्वेशन हो गई क्या, ऑब्जर्वेशन हो गई क्या कि कर्व ग्राफ जो है नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं है, या अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल, सॉरी, इक्वल डिस्टेंस इसका मतलब अनइक्वल टाइम में, टाइम सेम नहीं है. So this is what? This is indicating a non-uniform motion. Again, it is a non-uniform motion. Fine. तो इस तरह के curve को even ऐसा क्या किसी भी format में, ये curve जरूर नहीं ऐसा हो, ये कुछ भी हो सकता है, spiral हो सकता है. This is indicating what? A non-uniform motion.
स्टूडेंट कहता है नहीं, मान लीजिए ये डिस्टेंस ऐसा है और यहाँ ये टाइम ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा है. अगेन इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. स्टूडेंट कहता है नहीं नहीं मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ ना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी ऐसी, ये तो स्ट्रेट है बस कहीं मुड़ी है, लेकिन है तो स्ट्रेट ही. अगेन इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एवरी टाइम आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में ये सेम नहीं आएगा. सो दिस इज प्योरली इंडिकेटिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आई रिपीट, हमने स्टार्टिंग कैसे की, हमने रेस्ट, हमने मोशन, हमने रेस्ट यानी स्टेशनरी, एक इम्पॉसिबल कंडीशन, एक यूनिफॉर्म मोशन उसका कैलकुलेशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके कैलकुलेशन के बारे में बात की. ठीक है, तो ये ग्राफ आपके समझ में आया, ठीक है ना. दिस इज इंडिकेटिंग इक्वल डिस्टेंस बट द टाइम इज अनइक्वल, इज दिस ओके. ठीक है, अब हम इस ग्राफ के एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पे चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है. हाउ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद दिस ग्राफ. डिस्टेंस टाइम के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज स्पीड. लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपके सामने तीन अलग अलग छोटे छोटे ग्राफ बना के कुछ आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है, मुझे बताइए ये पहला ग्राफ है, ग्राफ क्या है, ये ट्राइंगल है पहला, दूसरा ट्राइंगल है ये, और तीसरा ट्राइंगल है ये. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एक, तीनों जो है ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं आप, इंक्लाइंड फिसल पट्टी जिसे कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है. इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर हम ध्यान से देखें ट्राइंगल के फॉर्म में अगर हम देखें, तो आपको ये लगता है कि ये वाला पोर्शन हाइट को और ये वाला पोर्शन बेस को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है ये वैसे तो हाइपोटेन्यूज होता है ट्राइंगल के हिसाब से, लेकिन अभी इसे में अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या मैं कह सकता हूँ, ये उसका स्लोप है, कि जो स्लांटिंग है उस इंक्लाइंड प्लेन में वो कितनी है, दैट इज दिस इज नोन एज स्लोप. आपको नहीं लग रहा ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है ये बहुत स्टीप है एकदम से, लेकिन ये इतना स्टीप नहीं है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन के लिए जो स्लोप है वो कैसे डिसाइड होता है, इस वाले केस में हाइट बहुत ज्यादा है और बेस जो है वो कम है. तो जब हाइट बढ़ेगी तो स्टीपनेस बढ़ेगी, एंड ठीक इसी तरह से अगर आप यहां देखें तो हाइट यहां कम है और ये बेस जो है वो यहां पर क्या है, ज्यादा है, तो स्टीपनेस क्या है, कम है. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये स्टीप स्लोप है और ये लेस स्टीप स्लोप है, और इसे डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, हाइट, ठीक है, और या फिर बेस. इसका मतलब मैं बहुत सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि अगर आपको इंक्लाइन प्लेन का स्लोप निकालना है तो उसके लिए आपके पास ये दो पैरामीटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, हाइट और बेस, यानी स्लोप हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा डिपेंडेंट है, हाइट बढ़ाओ ये भी बढ़ेगा, और बेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बेस आप जितना बढ़ाओगे स्लोप क्या होगा, उतना कम होगा. ये दिख रहा है, बेस जितना बढ़ाओगे उतना स्लोप कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और न्यूमरेटर जितना बढ़ेगा पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी. बहुत ल्यूसिड मैनर में समझा रहा हूँ, बिना बहुत सारी मैथ्स को अंदर लाए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में ऑब्वियसली इसे हाइट और से बेस कहा जाता है, और हाइट और बेस मिलके कैसे स्लोप को डिफाइन कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को ओबे करके. ग्रेटर द हाइट मोर इज द स्लोप स्टीप, एंड लेसर इज द हाइट एंड ब्रॉडर इज द बेस द स्टीप स्लोप, मतलब स्टीपनेस ऑफ द स्लोप डिक्रीजेस, विच कुड बी अंडरस्टूड बाय दिस फॉर्मूला. सुन के आप क्यों बता रहे हो, तो देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज इसे पॉज करके आप स्टोर कर लेना, लेकिन अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ उसे मैं आपको समझाता हूँ. अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्टेंस और टाइम का के बीच में जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ आपने ऑब्जर्व किया था,
अब ये जो ग्राफ आपके सामने है, ये आपको नहीं लग रहा वो अभी जो हमने देखा था इंक्लाइन प्लेन, ये उसके स्लोप जैसा नहीं दिखा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह का, तो क्या ये इसका स्लोप नहीं बन जाएगा? तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है वो देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है? कैलकुलेट होता है हाइट अपॉन बेस से, ओके, हाइट अपॉन बेस से स्लोप कैलकुलेट होता है। अब ये जो स्लोप है, ये वाला स्लोप, इसकी हाइट ये होनी चाहिए और बेस ये होना चाहिए। हाइट ये जो है, हाइट ये वाली, ये किसको इंडिकेट कर रही है? और से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाइट आपको तब मिलेगी जब ये ग्राफ यहां चला जाए, यानी कि जब हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे। इसका मतलब एक तरह से ये जो हाइट है किसको इंडिकेट कर रही है? इसके पैरेलल है ना वाई एक्सिस की, तो एक तरह से किसको इंडिकेट कर रही है? ये इसके बराबर होने की वजह से किसको इंडिकेट कर रही है? डिस्टेंस। और ये बेस, ये वाला जो बेस है किसको इंडिकेट कर रहा है? नीचे एक्स एक्सिस को, यानी किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एस अपॉन टी, ये तो देखा हुआ लग रहा है। यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको इंडिकेट कर रहा है? स्पीड। इसका मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? वी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई डिस्टेंस टाइम बीच के, डिस्टेंस और टाइम के बीच का कोई ग्राफ इस तरह का दे रखा है, तो बस इन दो वैल्यूज से मैं क्या निकाल सकता हूं? उसकी स्पीड, यानी कि स्लोप निकला और स्पीड आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। तो अगर कोई मुझसे पूछता है हाउ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस ग्राफ, कुछ नहीं, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ऐसे लिख रहा हूं ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए। स्लोप कैलकुलेट कर लूं, तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हाइट और बेस ले लीजिए। हाइट इसे इंडिकेट करेगी, बेस अगर यहां पर डेटा गिवन है तो, डेटा अगर होगा तो उसको अपन यूज कर लेंगे। एक एग्जांपल अभी ले लेते, और जैसे ही डेटा आया हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इट्स वेरी इजी। तो क्या हम इसको काम में लेके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को काम में लेके स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एग्जाम में इस पर बेस्ड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल ये पूछा जाता है कि शो कीजिए, शो दिस, प्रूव दिस, दैट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको यही डेरिवेशन करना है कि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के, स्लोप, स्लोप हाइट और बेस से निकलता है, हाइट की वैल्यू डिस्टेंस है, बेस की वैल्यू टाइम है, और ये स्पीड आ गई फॉर्मूले के हिसाब से। और अगर कैलकुलेशन के लिए आ जाए तो क्वेश्चन कैसे होंगे देखते हैं। कैलकुलेशन के लिए आने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू गिवन होने का मतलब है यहां पर आपको कहा है डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन सेकेंड, ये गिवन है। वैल्यू कैसे गिवन है देखिए, वैल्यू गिवन है यहां है जीरो, ये वैल्यू गिवन है यहां पर से 20, 40, 60, 80 और 100, और यहां वैल्यू दी हुई है 100, 200, 300, 400 और 500, और ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे रखा है। और आपसे क्या है, इसकी स्पीड निकालिए, ठीक है, स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए क्या निकालूंगा? स्लोप, और स्लोप के लिए क्या लूंगा? हाइट अपॉन बेस। कौन सी हाइट? कोई सी भी हाइट। ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का लग रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है ना, अभी ये जो अपन ने देखा था, तो कोई सी भी ले लीजिए ना। हाइट कौन सी लेंगे? ये ले लीजिए, लीजिए ये ले ली, और ये हाइट ले ली ये वाली, तो ये हाइट कौन सी है? हाइट ये वाली है, देखिए आप ऑलमोस्ट इस हाइट को इंडिकेट कर रहा है। तो हाइट कितनी आ रही है साहब? हाइट आ रही है 300 मीटर, हाइट डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है, बेस टाइम को इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस 300 मीटर आ रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में टाइम ये वाला आ रहा है 60 सेकेंड। हेलो, यूनिट की जरूरत भी नहीं लगानी तो, अभी तो बाद में लगा दी थी। कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई।
तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे यूज किया, हाइट अपॉन बेस, दैट्स इट। कोई सी भी स्टूडेंट कहना नहीं, नहीं मैं तो ये हाइट लूंगा, ठीक है भी, यू स्टे हैप्पी, ये वाली हाइट ले लो, ये ले लो, यहां क्या आएगा 200/40, 200/40 स्टिल 5। कोई नहीं, नहीं, नहीं मैं ये लूंगा, तू खुश रहे भाई, किसने मना किया, ये ले ले और ये ले, 500/100 अगेन। आप कैसे भी कर लीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए, इट इज यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड विल रिमेन सेम, ऑब्जर्वेशन सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सुन के आई हैव अ डाउट, गो अहेड, स्टूडेंट सेज ये डिस्टेंस है, ये टाइम, ये ग्राफ यूं है, एक ग्राफ यूं है और एक ग्राफ यूं है, दिस इज, ये तीन अलग अलग तरह के ग्राफ हैं, दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों ने अलग अलग तरह से डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कोई डेटा नहीं गिवन है, नो डेटा इज गिवन, ठीक है ना, ये एग्जांपल क्वेश्चन, ये भी एक एग्जांपल क्वेश्चन, ठीक है, कोई डेटा नहीं गिवन है, मुझसे पूछा है इन दोनों में से बताइए किसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड निकलती है स्लोप से, स्लोप कैसे निकलता है, हाइट अपॉन बेस से। अरे तो सर कैलकुलेशन के लिए कुछ है ही नहीं, तो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो केवल ये देखना है कि किसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, और स्लोप किसका ज्यादा होगा, जिसकी हाइट ज्यादा और बेस कम हो, हाइट ज्यादा, अच्छा तो देखें जरा, ये हाइट ज्यादा बेस कम, अच्छा इसमें हाइट कम हो गई बेस बढ़ गया, अच्छा इसमें और हाइट कम हो गई और बेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ दिस हाइट इज कंट्रोलिंग व्हाट, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग व्हाट, स्पीड। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हुई, एक्स, फिर उससे कम वाई और उससे कम जेड। ऑब्वियसली ऐसा देख के पूछ लिया जाएगा कौन पहले पहुंचेगा, ऑब्वियसली एक्स पहले पहुंचेगा, जहां पर भी जाना, इज दिस ओके। तो क्या आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आया, तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ गया हो तो आप सारे ग्राफ फिर से देखिए, एक एक करके फिर से ग्राफ देखिए, उनका इंटरप्रिटेशन देखिए, इसे डायग्राम की तरह याद मत कीजिए, और ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपके सामने किए हैं इनको पॉज करके समझ के फिर से रीसॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम इसी ग्राफ के पैटर्न में एक ग्राफ और समझते हैं, और वो ग्राफ जो है अरे वाह ये ग्राफ देखिए, ये मुझे इंटरनेट पे मिला, मैं मुझे लगा इट इज वर्थ शेयरिंग, यहां सब मिक्स है वो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पहला वाला ग्राफ है जो हमने देखा था, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, पर्सन स्टेशनरी रुका हुआ है, नॉट मूविंग एट ऑल, ओके। इसके बाद में ये ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, एक सी स्पीड से चली जा रही, हालांकि पॉसिबल नहीं बट स्टिल, ठीक है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज हो रही है स्पीड, देखो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट स्पीड इन कार हो सकती है ऐसे यूनिफॉर्म। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म लेकिन एकदम सडनली बहुत स्टीप है, बहुत फास्ट। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डिस्टेंस कम हो रहा है, मूविंग बैक, कोई वापस आ रहा है जहां से चला था, ये ओरिजिनल पॉइंट था, पहले उससे दूर था अभी वापस आ रहा है। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करके देखिए और समझिए, इस अकेले में सारे ग्राफ मिक्स्ड है, इज इट ओके। एक ग्राफ आज और समझेंगे, दैट इज नोन एज स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड को हम किससे शो करते हैं, वी, और टाइम को हम किससे शो करेंगे, टी से। तो यहां पर हम ले रहे हैं स्पीड और यहां ले रहे हैं टाइम। पहला ग्राफ उसी तरह से, स्पीड किस में ली जाती है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में लिया जाता है, सेकंड में। पहला ग्राफ क्या है, ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के। सुन कहता है मैं समझ गया सर ये रेस्ट पर है। फिर वही बात, आपको स्टार्टिंग में कह दिया था हर ऐसा ग्राफ रेस्ट नहीं होता, पहले समझिए। वो रेस्ट तब होता है जब यहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्टेंस नहीं है, स्पीड है। इसका क्या मतलब है, इंटरप्रेट कीजिए, ये 0 सेकंड था,
जब मेरी इस पे नजर पड़ी तब इसकी ऑलरेडी कुछ स्पीड थी, वॉट एवर द स्पीड, मेरी कुछ भी स्पीड रही होगी, उसके बाद उसी स्पीड से लगातार चले जा रहा है। यानी सबसे पहली चीज तो चले जा रहा है का मतलब मोशन में है, रुका हुआ है ही नहीं, इट्स मूविंग। इफ इट इज मूविंग तो रेस्ट वाली बात तो खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह कि इस पूरे रस्ते में इसकी स्पीड नहीं बदली। सपोज ये स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और ये 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो एक सी स्पीड किसको इंडिकेट करती है? एक सी स्पीड इंडिकेट करती है यूनिफॉर्म मोशन को। सुन के तो आप कंफ्यूज कर रहे हो, अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, वो डिस्टेंस टाइम का था, ये स्पीड टाइम का है। तो स्पीड टाइम में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक सी स्पीड तो चल रही है ना, एक सी स्पीड, बिल्कुल एक सी स्पीड है, स्पीड कहाँ बदल रही है, एक सी स्पीड से चल रहा है, नॉट एट ऑल चेंजिंग, इजंट इट सो। तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि एक स्पीड टाइम ग्राफ में दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन एंड कॉन्स्टेंट स्पीड, एक सी स्पीड, बिल्कुल एक सी स्पीड शो कर रहा है। क्लियर पिक्चर? तो हम सबसे पहला ग्राफ स्पीड टाइम में जो ले रहे हैं वो ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, और टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। स्पीड बिल्कुल एक सी नहीं बदली पूरे रास्ते में, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन है। एक सी स्पीड कब आएगी? जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा, तो ऑटोमेटिकली तभी पॉसिबल है। सुन कहता नहीं, मैं ठीक उसी तरह से यहां पर स्पीड और यहां पर टाइम लूंगा और मेरा ग्राफ जो है वो ये है। समझाए कोई स्टूडेंट को जो ये कहना चाह रहा है कि यहां तक टाइम इलैप्स होने के बाद में बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम कंज्यूम किए, यूज किए स्पीड बढ़ रही है लगातार फास्ट, और लगातार स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है लेकिन टाइम नहीं लग रहा। तो अगर इस केस में जैसा है ग्राफ पैरेलल टू स्पीड एक्सिस यानी वाई एक्सिस, तो मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा ना कि इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल कि टाइम तो ना लगे और स्पीड बढ़ जाए? तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसे आप बिल्कुल भूल जाइए। तो पहला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, दूसरा ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है, जो स्टूडेंट गलती से बनाए या सोचे तो ये नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, ओके। तीसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम में ही, स्पीड टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मैं ग्राफ स्पीड टाइम के लिए ये स्पीड और ये टाइम ले रहा हूं और ये मैंने ग्राफ बना रखा है, तो इस ग्राफ से मैं कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? मान लीजिए ये स्पीड यहां पर जो है, ये वाला पोर्शन स्पीड का और ये टाइम का है। अब मान लीजिए मुझसे कहा है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें और क्या वैल्यूज इंटरप्रेट कर सकता है, दे सकता है? तो देखिए, इस ग्राफ के नीचे का कर्व, ग्राफ के नीचे का एरिया, इसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, ये ग्राफ के नीचे का एरिया। थोड़ी देर के लिए देखें, आपको नहीं लग रहा ये एक रेक्टेंगल है? एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? बहुत सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे और इसे लेंथ और ब्रेड्थ मान लूं, तो लेंथ की जगह पर आपको क्या लगता है मैं क्या रख सकता हूं? स्पीड, लेंथ, और ब्रेड्थ की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं? ये मल्टीप्लाई का साइन है, टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम तो डिस्टेंस होता है। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था? एरिया। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि एक स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ के नीचे का एरिया ऑटोमेटिकली किसको इंडिकेट कर देता है? डिस्टेंस को इंडिकेट कर देता है। जो एरिया इसके नीचे कवर हुआ वो डिस्टेंस को इंडिकेट कर देगा। आई रिपीट, ये हमने वही ग्राफ लिया है जो हमने पढ़ा था, दैट वॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इस यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ जो एक सी कॉन्स्टेंट स्पीड को इंडिकेट कर रहा है
उस स्पीड के नीचे का, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो मैंने आपके सामने बताया. एरिया अंडर द कर्व में मैंने ये पूरा रीजन ले लिया और इसका एरिया निकालने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया जैसा दिख रहा है कि रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से निकलता है. लेंथ वाली साइड ये और ब्रेथ वाली साइड ये, में ये साइड स्पीड को और ये वाली साइड डिस्टेंस को अगर इंडिकेट करे तो ऑटोमेटिकली ये किसको इंडिकेट करेगा, टाइम को इंडिकेट करेगा, सॉरी डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा. तो इस तरह से मैं एरिया से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ. ये एरिया ऑटोमेटिकली इस डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा. फॉर इंस्टेंस अगर मान लें ये जीरो, ये से 15 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ये 15, ये 30, ये 45, ये 60 एंड सो ऑन. और यहाँ पर टाइम है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 50 सेकेंड. ये टाइम है सेकेंड्स के अंदर और ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है. मुझसे कहा है, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 10 टू 40 सेकेंड. 10 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है. तो 10 से 40 सेकेंड के बीच वाला एरिया ही लेंगे ग्राफ का. तो 10 सेकेंड ये रहे, 40 सेकेंड ये रहे, ये लीजिए और अब इसका एरिया निकाल लिया जाए. अब आपको स्क्वायर लगे चाहे कुछ लगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये लेना है फॉर्मूला. एक्चुअली होना वही है. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर मैं करूंगा एरिया के लिए, तो लेंथ साइड में ये आ गया, यानी कितना है ये 15, 30, 45, यही हुआ ना ये पूरा रीजन यहां से यहां तक का 45 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि लेंथ किसको इंडिकेट कर रही है, लेंथ इंडिकेट कर रही है स्पीड को और डिस्टेंस किसको इंडिकेट कर रहा है ये वाला, ये किसको इंडिकेट कर रहा है टाइम. तो यहां तो स्पीड ली जाएगी 45 इनटू टाइम. ध्यान से देखिए टाइम 40 नहीं है, 10 से लेकर 40 और 10 से लेकर 40 का मतलब 30 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 30. तो हम इसे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, दिस वुड बी 1350 मीटर. 1350 मीटर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एरिया किसको इंडिकेट कर रहा है, एरिया डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है. तो डिस्टेंस का डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर. तो आप समझे क्या है. तो आपको जब कोई इस पर बेस स्पीड टाइम ग्राफ पर बेस क्वेश्चन आएगा, तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्वेश्चन आते हैं जिसमें ग्राफ देखे उसका इंटरप्रिटेशन. नॉर्मली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म मोशन और इससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी यूनिफॉर्म मोशन आया, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसलिए इस ग्राफ को ध्यान रखिए. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्पीड टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ बनाइए, तो ऐसा बनेगा. लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है तो स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा. दूसरा क्वेश्चन इस कैलकुलेशन पर बेस्ड आ जाता है. तो आज आप ये ग्राफ सारे यहां तक के जो हैं इन्हें रुक रुक के धीरे धीरे बार बार समझिए और अगली क्लास में मैं बचे हुए ग्राफ्स के साथ में फिर इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा. तो लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके एक एक ग्राफ को बारी बारी से देखना है, समझना है, इंटरप्रेट करना है. कोई सी भी चीज़ जो है अगर आपको ऐसी कन्फ्यूजन वाली लगती है तो उसे नोट करें सो देट वो आगे के लेक्चर्स में क्लियर हो सके. आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, ठीक है ना, सो देट वी कैन हेल्प यू आउट. और जैसा मैंने आपसे कहा लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुंचे और उनसे बेनिफिट ले सकें. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.